नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। इस वक्त हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी है। स्वागत है सर आपका सिटी पोस्ट में। क्या तैयारी है बिहार विधानसभा को? बिहार विधानसभा बहुत नजदीक है, तैयारी आप लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। बिहार में भी ताबड़तोड़ जो तेजस्वी हम बेरोजगारी रैली चला रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? देखिए, अभी जहां तक तैयारी का सवाल है, हम लोग यूनाइटेड होकर के कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिसकी बड़ी आवश्यकता है। और इसीलिए आज लगातार 6 महीना से हम बात कर रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, समन्वय समिति बने, और उसके निर्णय उपरांत सारा, चाहे सम्मेलन का मामला हो, टिकट बांटने का मामला हो, लीडरशिप डिक्लेरेशन का मामला हो, या और पॉलिसी जनित जो भी बात हो, सब उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से तय हो और आगे बढ़े। अभी बेरोजगारी यात्रा की बात आपने कही जी। इसका हम समर्थन करते हैं कि अच्छी चीज है, अच्छी पहल है, लेकिन अगर सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के किया जाता, सबके विचार के साथ ही चला जाता, तो हम समझते हैं जितना लाभ अभी है इससे 4 गुना लाभ और अधिक मिलता। वो बदकिस्मती बस नहीं हो पा रही है। और रही बात बैठकों का दौर, तो बैठकों के दौर में तो हम लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि कांग्रेस सेकंड सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन का, तो कांग्रेस के लोगों से भी हम लोग बात करते हैं कि भाई आप कम से कम पहल के लिए, राजद अगर नहीं पहल कर रही है इस मामले में तो आप पहल कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, और अगर आप पहल करते हैं तो हम समझते हैं कि महागठबंधन की यूनिटी में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग तो कुछ लार्जर महागठबंधन बनाना चाहते हैं, और जैसे इसमें कन्हैया कुमार है और सीपीआई है, तो कुछ लोगों के दिमाग में बनता है कि सीपीआई को हम साथ लेके नहीं चलेंगे जी। लेकिन हम लोगों के विचार में बात आती है कि सीपीआई को भी अगर हम लोग साथ रखें, सीपीएम ही है, तो और हम लोगों का ये जो गठबंधन है और मजबूत होने की बात होगी। दूसरी बात है, पप्पू यादव का मामला आता है, पप्पू यादव को भी कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे साथ न रहे। हमारा कहना है कि अभी हम लोग महागठबंधन में कौन किसका महत्व किस समय बढ़ जाएगा कहा नहीं जा सकता है, इसलिए किसी को काटने की कोशिश नहीं करें, जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगला जो हम लोगों का जिनसे झगड़ा है वो महागठबंधन, वो एनडीए के लोग हैं, और एनडीए बड़ी मजबूत है, दोनों जगह सत्ता में है, तो वैसी परिस्थिति में उससे अगर लड़ना होगा तो हम लोगों को जो सामने अगर ईगो आ जाती है तो ईगो को हम लोगों को त्यागना होगा जी। और अभी हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ईगो की भावना प्रिवेल कर रही है, इसी के चलते वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और सब लोग मिलजुल करके अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं दिखता है, इसका उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना एक साथ होकर हम लोग जी। तो आपने अपनी नाराजगी भी एक तरीके से साफ तौर पर कर दी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी को सामने आके कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करना चाहिए। अब आप उसकी मांग कांग्रेस से कर रहे हैं, चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी, लेकिन ये जो तेजस्वी अकेले पूरे बिहार में घूम घूम के वो बेरोजगारी यात्रा, आखिर वो आप लोगों को साथ लेके क्यों नहीं चल रहे? मतलब ऐसे तो आप वो भी मंच पे कहते हैं गठबंधन एक है, गठबंधन को कोई नहीं तोड़ सकता है, लगातार वो भी ये बयान देते हैं, तो फिर वो आपको साथ लेके क्यों नहीं चल रहे? उनकी क्या मंशा है इसके पीछे? सवाल है उनकी मंशा को हम क्यों कर सकते हैं, कैसे जानेंगे उनकी मंशा, तो उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, उसी प्रकार से अकेला अगर कोई पार्टी वहां कर दे कि हम एनडीए को हरा देंगे तो संभव नहीं है। बल्कि इस माने में एक वैसी बात हम बोल चुके हैं और शायद रिपीट भी करें तो कोई बात नहीं है, कि अगर हमारे गलतियों के चलते अगर हमारे विरोधी को फायदा हो जाता है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जानबूझकर के फायदा करना चाहते हैं विरोधी को, और इसीलिए अपने लोगों को साथ लेकर के चलने में हम कहीं न कहीं हिचक रहे हैं, जबकि सब कोई सूत्रवाद को जानता है कि एक छड़ी टूट जाती है लेकिन 4 छड़ी मिल जाती है तो नहीं टूटती है। तो उसी प्रकार से अगर जिसका भी हो, सब और जितना पार्टी है सब बहुत बड़ा महातीका करते हैं, बड़ा प्रभावशाली है, सो बात नहीं है, लेकिन सबका अपना कहीं ना कहीं महत्व है, तो वैसी परिस्थिति में बूंदे बूंद तालाब भरता है। और इस कंसेप्ट को भी लेकर के अगर चला जाएगा तो चाहिए था कि सबको आपस में मेल जोल करके आगे की रणनीति अपना लेते और बेल इन एडवांस अपना लेते। प्रायः ये हुआ है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है उस समय लोग करते हैं,
और उसके चलते बहुत तरह का अफरा तफरी मच जाती है। और इसी चीज को लेकर के जब दूसरे पार्टी के गठबंधन के लोग बिल इन एडवांस तय कर लेते हैं कि हमको वहां से लड़ना है, उनको वहां से लड़ना है, और अकॉर्डिंगली सब अपना सम्मिलित प्रयास करते हैं, तो कम से हम लोग किसी को देखे किसी भी करना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए, सीखने में कोई गुरेज नहीं, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और उस आधार पर अगर हम करते हैं तब हम समझते हैं कि दिल से हम एनडीए को बाहर करना चाहते हैं। और नहीं तो अगर हम यहाँ पर भीम को प्रिवेल कर देते हैं, अपना अहम को प्रिवेल कर देते हैं, तो हमारी गलती के चलते किसी को फायदा होते नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं संदेह है आपको कि जो अकेले तेजस्वी जी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फायदा बीजेपी यानी एनडीए के गठबंधन को मिलेगा, चाहत इनकी कहीं अंदरूनी लग रही है कि ये फायदा देना चाहिए? उनकी चाहत हो या ना हो, लेकिन जो एक्शन सामने है जी। उसके बारे में तो बोल ही दिया हम जी। कि अगर हम लोगों की गलतफहमी के चलते या हम लोगों का सोच ठीक न होने के कारण हम किसी तरह से अगर पिछड़ जाते हैं, महागठबंधन मेरा कमजोर होता है, तो इसका लाभ एनडीए को निश्चित मिलेगा। और वैसी परिस्थिति में बाद में हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे और एक दूसरे पर दोषारोपण करते रह जाएंगे, वो समय न आवे। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग पहले ही सतर्क हो जाएं और आपस में मेल मिलाप कर करके जो भी एक्शन प्लान करना है सोच के करें, चाहे जिस प्रकार का काम करना हो सबके विचार उपरांत किया जाए, तो हम समझते हैं कि हम लोग गेन ओवर करेंगे, हम लोग भी यही होंगे। जितिन जी, आपकी बातों से साफ तौर पर लग रहा है कि तेजस्वी से कितनी नाराजगी होगी गठबंधन में। क्या इस नाराजगी को आप लालू जी तक ले जाएंगे? आप लोगों का प्लान है लालू जी से मिलने का और बिहार विधानसभा को लेकर उनकी राय बहुत जरूरी होगी चूंकि चुनाव के मद्देनजर? देखिए, तेजस्वी जी से हमारा कोई पर्सनल नाराजगी नहीं है जी, बल्कि यूं आप कह सकते हैं कि जब हम एनडीए में थे और तेजस्वी नेता विरोधी दल के थे, तो उनका मिलन भाषण हुआ था तो हम सबसे बड़ा प्रशंसक थे जी। और लोगों को कहते थे कि देखिए, नया पहला टर्म आने वाला है, विधानसभा में कोई बोलता नहीं है और ये शख्स इतना अच्छा बोल रहा है, इसका मतलब इसमें टैलेंट है। आज क्या कारण है कि हम चुप हैं? और चुप इसलिए हैं कि भाई हम सिद्धांत में और मेथोलॉजी में विश्वास करते हैं कि मेथड अपना करके एक सिस्टम से आगे बढ़ें और जो भी काम करें सर्वानुमति से करें, सबके विचार से करें। कोई एक कह दे कि हम साहब यही करेंगे, जिसको मानना है माने, नहीं तो जाए जी। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है जो कि उनके स्टेट प्रेसिडेंट बोल चुके हैं जी। तो वैसी परिस्थिति में तेजस्वी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और न तो फिर लालू जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जो भी कर रहे हैं लालू जी बैठ करके वहां से यहाँ डायरेक्शन देते हैं, उसी आधार पर लोग चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि या तो लालू जी डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, या नहीं तो लगता है लालू जी की बात तेजस्वी नहीं मान रहे हैं, या कहीं और कोई बात है तब तो। नहीं तो हम प्रश्न उठाया था सबसे पहले कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन का होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जदयू ने भी प्रश्न उठाया कि हाँ, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लोजपा के जो चिराग पासवान है उसने भी कहा कि हाँ, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। जब तो तीन चार दल साथ मिलते हैं तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो जब वो लोग कह रहे हैं कोई अच्छी बात है तब तो फिर अच्छी बात को हम महागठबंधन में क्यों नहीं अपना रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं है हम नासमझ हैं या दूसरे को जानबूझ के लाभ देना चाह रहे हैं, यही बात सामने समझ के आती है। तो यही हम कह देते हैं तो उस पर लोगों को लगता है कि हम कुछ अदरवाइज बोल रहे हैं। हमारे दिल में कोई अदरवाइज का मामला नहीं, हम चाहते हैं कि महागठबंधन मजबूत हो जी। जीतन जी, आपके गठबंधन में मुकेश सहनी जैसा युवा राजनेता है, आप खुद अनुभवी हैं और कांग्रेस एक बड़ी शक्ति के तौर पर आपके साथ है, उपेंद्र कुशवाहा अपना सर्वस्व देते हैं आप लोगों के साथ, क्या जरूरत है राजद का? जितना इम्पोर्टेंस आप राजद को दे रहे हैं, मैं मतलब एक आम इंसान के तौर पे इस गणित को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक तरफ हो जाए और राजद एक तरफ हो जाए तो हम किस तरीके के राजनीति को देखेंगे बिहार में, अगर कुछ ऐसा संभव हो? नहीं, इस तरह की बात कयास की बात है, इसको हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का यही प्रयास है कि लालू जी से मिल करके या तेजस्वी से बात करके हम लोग उनको एक महीना, यानी जब तक विधानसभा चल रही है वहाँ बिहार में, उस समय तक ये सब प्लानिंग हम लोग कर लें और अप्रैल से हम लोग काम करना शुरू कर दें। तो अभी यही बात है,
और आगे की बात जिसकी चर्चा आपने की उस पर अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, और हम होपफुल हैं, अभी भी आशा रखते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल करेगा और जिन बातों के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं उस बातों को करते हुए ही महागठबंधन में लोग आगे बढ़ेंगे, और महागठबंधन में आगे बढ़ना, एक होकर के करना आज राज्य की बात है, राज्य के हित में है, और राज्य के हित और गरीबों के हित को जो सोचेगा तो निश्चित रूप में सब सर्वानुमति काम करके आगे बढ़ेगा जी। आखिरी सवाल, बहुत ज्यादा मैंने आपका समय ले लिया, प्रशांत किशोर बुक का इन्वॉल्वमेंट गठबंधन में पूरी तरीके से आ चुका, हम प्रशांत किशोर को क्या आगे आपके साथ यानी गठबंधन के लिए काम करते हुए देखेंगे, या फिर या तो वो एज अ स्ट्रेटेजिस्ट आपके साथ काम करेंगे, या बीइंग अ पॉलिटिशियन आपको सुझाव देते हुए नजर आएंगे, किस तरीके क्या रोल रहेगा प्रशांत किशोर का आपके साथ? देखिए, प्रशांत किशोर जी से भी हम लोगों की मुलाकातें हुई है, उनसे भी बातें हुई है, और एक्टिव पॉलिटिक्स में वो आएंगे, चुनाव की बात करेंगे या कहीं से कोई उम्मीदवार होंगे ऐसी बात हमारे समझ में नहीं है। हाँ, वो रणनीतिकार हैं, और रणनीतिकार में उनकी नीति एक ही अभी है कि शायद उनको गलत कारणों से जदयू ने निकाला था, लेकिन जिस मुद्दा को लेकर के जदयू ने उनको निकाला था आज उन्हीं मुद्दा को बिहार असेंबली से पास करवाया गया है। तो वैसी परिस्थिति में हम उस समय भी कहते थे कि नीतीश कुमार जी से इनका कोई मतभेद नहीं, नीतीश कुमार के कहने के उपरांत ही उन्होंने चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे एनपीआर का मामला हो या सीए का मामला हो, उसके विरुद्ध में उन्होंने बात की है। तो उस समय तो लगा कि नहीं ऐसी बात नहीं, और आनंद फानंद उनको निकाल दिया, प्रूफ करने की कोशिश की नीतीश कुमार ने कि नहीं हमारी इच्छा के विरुद्ध वो बात किया। लेकिन अब जब उन बातों को विधानसभा में पारित करवा के नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि प्रशांत कुमार अपने मन से कुछ नहीं किए थे, तो आज महागठबंधन के लिए रणनीतिकार होंगे कि फिर नीतीश जी के साथ होंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ रणनीतिकार की आवश्यकता है, रणनीति अपने रणनीति से अगर महागठबंधन को मदद करें तो हम लोग स्वागत करेंगे जी। तो हमारे साथ थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार के, जिन्होंने साफ तौर पर हर सवालों का जवाब दिया, खुले तौर पर उन्होंने बताया कि अगर गठबंधन कहीं भी पीछे रह जाता है बिहार विधानसभा में तो उसकी वजह क्या रहेंगी। तेजस्वी जी के साथ अभी जिस तरीके के रिश्ते चल रहे हैं गठबंधन में सभी दलों के, उन पर भी हमने विशेष तौर पर चर्चा की, और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को सामने आना चाहिए, खुल के बातचीत करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए जिसमें सबका सबकी बातें सुनी जाए, कोई एक दल अकेले आगे चल के कोई चीज ना कर दे जिससे कि नुकसान उठाना पड़े। स्ट्रेंथ जो होती है बहुत बड़ी चीज होती है, अगर एक साथ लोग एकजुट होकर दिखेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा में सीधा इसका लाभ होगा, हानि बिल्कुल नहीं होगा, ये और लोगों से भी सीखने की चीज है। उम्मीद है इनकी सभी बातें आपको पसंद आई होंगी, सिलसिलेवार तरीके से इन्होंने जिस तरीके से आपको बताया एक एक चीज की बिहार पॉलिटिक्स में गठबंधन के बीच में और अंदर में क्या हो रहा है, उम्मीद है कि आपको हर एक पहलू उनके समझ भी आ रही होगी, और आगे आप अपने आप को बिहार विधानसभा का एक हिस्सा बनते हुए इनके बातों से तो जरूर आपको लग रहा होगा कि आप भी बिहार विधानसभा में एक हिस्सा हैं। सिटी पोस्ट हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा, तब तक आप बने रहे सिटी पोस्ट।